जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख पास आ रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार तेज हो रहा है। हाल ही में देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश सालवे समेत 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने CJI DY चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि न्यायपालिका खतरे में है और इसे कुछ लोग अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले पर अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मोदी ने गुरुवार को ट्वीट कर लिखा, दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति रही है। करीब 50 साल पहले उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात की थी। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते फिरते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। अब जब मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला तो फिर कांग्रेस नेता कैसे चुप बैठते। मोदी के ट्वीट का पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने उल्टे मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि आप न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, आप ये कैसे भूल गए हैं कि आपके ही शासन काल में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को सड़क पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। उन्होंने भी लोकतंत्र के विनाश की बात कही थी। बाद में उनमें से एक जस्टिस को आपकी सरकार ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट भी किया था। आप भूल गए हैं कि आपकी पार्टी ने मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में एक पूर्व हाईकोर्ट जस्टिस को मैदान में उतारा है। उन्हें ये उम्मीदवारी क्यों दी गई है बता सकते हैं आप? आप ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। मोदी जी, आपकी तरफ से एक के बाद एक संस्थानों को झुकाने की कोशिश की जाती रही है, इसलिए अपने पापों के लिए कांग्रेस पार्टी पर दोष मढ़ना बंद करें। आप खुद लोकतंत्र से छेड़छाड़ करने और संविधान को चोट पहुंचाने की कला में माहिर हैं। पक्ष और विपक्ष के बीच ये हंगामा क्यों खड़ा हुआ, अब आपको इसकी वजह बता दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने चिट्ठी लिखकर मांग की है कि देश की न्यायपालिका खतरे में है और इसे राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से बचाना जरूरी है। चिट्ठी लिखने वालों में पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश सालवे के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होल्ला जैसे कुछ बड़े वकील शामिल हैं। CJI के नाम इस चिट्ठी में लिखा है कि रिस्पेक्टेड सर, हम सभी आपके साथ बड़ी चिंता साझा कर रहे हैं। एक विशेष समूह न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। ये ग्रुप न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और अपने घिसे पिटे राजनीतिक एजेंडे के तहत बेबुनियाद आरोप लगाकर अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उनकी इन हरकतों से न्यायपालिका की पहचान बताने वाला सौहार्द और विश्वास का वातावरण खराब हो रहा है। राजनीतिक मामलों में दबाव के हथकंडे आम बात हैं, खास तौर से उन मामलों में जिनमें कोई राजनेता भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हो। ये हथकंडे अदालतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा बन गए हैं। ये विशेष समूह हमारी अदालतों के सुनहरे अतीत का हवाला देते हैं और आज की घटनाओं से तुलना करते हैं। इस तरह के बयान जानबूझ कर दिए जाते हैं ताकि कोर्ट के फैसलों को प्रभावित किया जा सके और राजनीतिक फायदे के लिए अदालतों को संकट में डाला जा सके या दबाव बनाया जा सके। ये देखकर परेशानी होती है कि कुछ वकील दिन में किसी राजनेता का केस लड़ते हैं और रात में वो मीडिया में चले जाते हैं। ये बेंच फिक्सिंग की थ्योरी भी गढ़ रहे हैं। ये हरकत न केवल हमारी अदालतों का असम्मान है बल्कि मानहानि भी है। ये अदालतों की गरिमा पर किया गया हमला है। माननीय न्यायाधीशों पर भी हमले किए जा रहे हैं, उनके बारे में झूठी बातें कही जा रही हैं। ये लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि हमारी अदालतों से उन देशों की तुलना कर रहे हैं जहां कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमारे न्यायपालिका पर अन्यायपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि वकीलों की इस चिट्ठी में किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन उनके मुताबिक इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है, इसका सीधा सा मकसद अदालतों को बदनाम करना और अदालतों के प्रति जनता के विश्वास को कम करना है। वकीलों को लगता है कि अब अदालतों के लिए आवाज उठाने का सही वक्त आ गया है। वकीलों ने लिखा है कि अब हमें साथ आने की जरूरत है, छिपे हुए हमलों के खिलाफ बोलने की जरूरत है। ये सुनिश्चित करना है कि हमारी अदालतें हमारे लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में बनी रहें। इसके लिए इस तरह के सोचे समझे राजनीतिक हमलों से बचने की जरूरत है।
नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।